मेरा नाम है शिवांगी वालिया एंड वेलकम टू द चैनल द ऑप्शन बॉक्स। जैसे कि हर बार हम आपके साथ फाइनेंस से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करते हैं जिससे कि आप अपनी फाइनेंस की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेके आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। क्योंकि यू नो कहते हैं ना कि आफ्टर 18 ईयर्स हम लोग एडल्ट हो जाते हैं और शायद इसी एज में या जब हम लोग अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन हम लोगों को सही इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाए, कहाँ किया जाए और कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। तो इसीलिए ऑप्शन बॉक्स में आपको सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम बताते हैं कि किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए और किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी एज अ बिगनर। स्टेप बाय स्टेप गाइड हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपनी स्टॉक्स में ट्रेड करना स्टार्ट करना है, क्या क्या स्टेप्स का ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो पूरी वीडियो देखने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप लोगों ने अभी अभी स्टॉक्स में ट्रेड करना स्टार्ट किया है या सोच रहे हो स्टार्ट करने का, तो ये वीडियो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही हमारा जो ऐप है ऑप्शन बॉक्स, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पे हम आपको देते हैं 11 लाख रुपए तक की वर्चुअल मनी, जिससे कि आप हमारे ऐप पे जाके रोज जैसे मार्केट ओपन होता है ना, तो वहां पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऑप्शंस दिखना शुरू हो जाएंगे जहां पे आप लोग उस वर्चुअल मनी के साथ ट्रेड कर सकते हो, अपने अपने एनालिसिस लगा के, अपने अपने स्किल्स लगा के, और उस हिसाब से आप देख सकते हो कि अभी आपकी जो नॉलेज है वो कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, क्या आपको अपने डिसीजन से लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है विदाउट इवन अ फियर ऑफ लूजिंग मनी। क्योंकि अगर आप रोज़ आके वहाँ ट्रेड करते हो तो हर एक ट्रेड से आपको कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं, जिन पॉइंट्स के आधार पे आप कुछ प्राइजेस भी जीत सकते हो। सो आई होप कि अगर डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कर लोगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को अभी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे ज़रूरी है, अगर आपके पास टाइम है, कि आपको लगता है कि आप अपने रेगुलर जॉब्स के साथ या अपने रेगुलर दिन के साथ आप खुद भी स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, खुद ही अपना टाइम लगा के समझ सकते हो, तो सुबह 9:30 बजे मार्केट खुलती है और 3:30 बजे ये क्लोज हो जाती है। तो उस टाइम के पीरियड में आपको किसी स्टॉक ब्रोकर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है और सही तरीके से करनी है लेकिन आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पर आप जाके उनको बता सकते हो कि मेरा इतना बजट है, मुझे एवरीडे ट्रेड करना है, जिसको हम इंट्रा ट्रेडिंग कहते हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी, या आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक्स में, वो भी मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से होगी। तो आप उनको अपना बजट बता सकते हैं और उस हिसाब से वो आपके पैसे को सही सही जगह पर लगा सकते हैं और वहाँ से आप एवरी डे उनसे एक डिटेल ले सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें खुद करनी है, आपको किसी और के हाथ में अपना पैसा नहीं देना है, तो सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट जो होता है वो आप डिफरेंट फाइनेंस वेबसाइट्स है जहाँ पे बना सकते हो, या फिर आप अपने बैंक के साथ भी बना सकते हो, जैसे कि HDFC, एक्सिस बैंक और बहुत सारे जितने भी बैंक्स अवेलेबल हैं वहाँ पे सारों के पास ऑप्शंस होते हैं कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो जाके डीमैट अकाउंट खुलवा सके। तो आपको अपने बैंक को जाके बताना है, वहाँ से फॉर्म लेना है, या ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो रिलेटेड टू ओपनिंग योर डीमैट अकाउंट, या फिर आप फाइनेंशियल वेबसाइट्स पर जाके भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन विदाउट डीमैट अकाउंट आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो डीमैट अकाउंट खोलना बहुत सिंपल है, आपको आपको जाके अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी है, देन दे विल एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन, उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स वहाँ पे ऐड ऑन करनी है, आपके ID प्रूफ, पैन कार्ड नंबर एंड एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें वहाँ मांगी गई है। वंस योर डीमैट अकाउंट इज एक्टिवेटेड, यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट ट्रेडिंग। डीमैट अकाउंट खुलने के बाद आपको वहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश जो कि डालना पड़ता है अकाउंट में, जिससे कि आप वहाँ पे रेगुलर ट्रेडिंग कर सकते हो। वो एक मिनिमम बैलेंस है, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। सो डीमैट अकाउंट खुलने के बाद अपने अपना कैश वहाँ पे डाल दिया, उसके बाद आपका एक बैलेंस शो हो जाएगा कि इतना अमाउंट इस अकाउंट का पड़ा हुआ है। तो उस अकाउंट के हिसाब से आप रोज़ सुबह, जैसे कि 9:30 बजे मैंने मार्केट खुलने का बोला, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो कौन कौन से स्टॉक्स वहाँ पर लिस्टेड हैं और किस तरीके से मार्केट अभी ऊपर नीचे हो रही है। तो अगर आपको एवरी डे सेल आउट करने हैं या ख़रीदने हैं तो वहाँ पर
आप रेगुलर भी कर सकते हो या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं तो लॉन्ग टर्म एक बार खरीद के या बेच के जिस तरीके से भी आपको सही लगता है आप वो कर सकते हो। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस तरीके से आपको पता लगे कि कहाँ पर ट्रेड करें या कौन कौन से स्टॉक्स को हम खरीदें या कौन कौन से स्टॉक्स को हमें बेचना है। तो अभी कुछ टाइम से ना कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्टेन्ड रहते हैं, जैसे कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूँ तो उनके बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे 50 प्लस उनके जो गुड्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हमारी एवरी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, तो उनके स्टॉक्स मिनिमम काफ़ी ज़्यादा नीचे नहीं गिरते हैं, ना ही दे आर क्वाइट स्टेबल स्टॉक्स। तो वो आपको आपकी रिसर्च के हिसाब से पता लगेगा। सिमिलरली वी हैव गोदरेज, सिमिलरली वी हैव रिलायंस, सिमिलरली वी हैव MRF एंड वेरियस अदर कंपनीज विच आर देयर, जो कि एक सस्टेन्ड वैल्यू के ऊपर ही रहती हैं, जिनका गिरने का चांसेस अगर उनके पास ट्रैक से देखा जाए स्टॉक्स में तो काफ़ी कम है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च के हिसाब से ही पता लगेंगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको एक दिन में करोड़पति नहीं बना सकती है। यहाँ पे लॉसेस का भी खतरा है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करें और उसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से आपको पता लगता रहता है, जिस तरीके से आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, जिस तरीके से आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करना आ जाएंगे, आपको कंपनीज जिनके अंदर आप स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, आपको एक प्रॉपर नॉलेज होगी ना कि इसका फ्यूचर प्लान क्या है, ये किस प्रोडक्ट में डील कर रही है और फ्यूचर में आने वाली इनकी जो पॉलिसीज हैं क्या उसके हिसाब से ये मार्केट में और ग्रो करेंगी इनका शेयर, इन सब चीज़ों को और फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए ही आपको अपनी फाइनेंस और उन स्टॉक्स को खरीदना या बेचना चाहिए। ये सारी की सारी नॉलेज आपको विद टाइम ही आएगी। लेकिन जो हमारा ऐप है वहाँ पे आपको पैसा तो कुछ खर्च नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जाना है वहाँ पे, आपके सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे वहाँ पे प्रॉपरली डिटेल्ड मेजर करके, हम लोगों ने डेटास भी रखे हैं जिससे कि आपको नॉलेज भी मिलेगी कि इनके प्रॉफिट में जाने के कितने चांसेस हैं, लॉसेस में जाने के कितने चांसेस हैं, तो उनसे आप हेल्प लेके अपनी एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि जब एक्चुअल मार्केट में पैसा लगाओ तो वहाँ पे लॉस होने के जो खतरा है वो कम हो जाए। तो जो पोर्टफोलियो की बात है कि सारा पैसा, जैसे मेरी अगर सेविंग्स कहें महीने की 10,000 रुपीज़ है, तो मुझे अपना सारा का सारा पैसा स्टॉक्स में जाके इन्वेस्ट नहीं करना है। हम लोगों को एक प्रॉपर पोर्टफोलियो क्रिएट करना होता है। पोर्टफोलियो के हिसाब से जैसे कि मेरे पास 10,000 रुपये मेरी सेविंग्स है, तो उसमें मुझे उसके तीन डिफरेंशिएट, मतलब उसके तीन भागों में बांटना होगा, जिसमें कि मैं उसमें से कुछ पैसा कैश में रखूँगी जो मेरा कैश सेविंग्स में होगा, कुछ पैसा मैं बॉन्ड्स में लगाऊंगी और कुछ पैसा मैं स्टॉक्स में लगाऊंगी। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आपकी सेविंग्स 10,000 रुपीज़ है, तो आपको सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ बैंक में ऐसे सेविंग के तौर पे नहीं रखना है, उसकी आपको प्रॉपरली पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, जिसमें कि आप लोग चाहे अपना 40% स्टॉक्स में, 40% बॉन्ड्स में और 20% कैश रख सकते हो, क्योंकि कैश एक ऐसा है जिसमें कि आपको मिनिमम या नो रिटर्न्स मिल रहे हैं, जबकि स्टॉक्स में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकती हैं और बॉन्ड्स में आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेट जो पहले डिसाइडेड है वही उस हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलेंगी, जो कि एक सेफ्टी ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको पैसा वापस भी मिल सकता है। तो इस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो पूरी नॉलेज के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, और ये काफ़ी अदर फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है जब हम ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ईजी मेथड है ना, कि अपने स्टॉक्स को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाए अगर आप शुरुआत कर रहे हो। शुरुआत में मतलब जो हमने एक और वीडियो, लाइव वीडियो भी हमने एक डाला हुआ है, जिसमें हमने बताया था कि जब सुबह उठते हैं ना तभी हमें पता लग जाता है कि हम लोगों को कौन कौन से प्रोडक्ट्स में, स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं। तो जैसे कि कंज्यूमर गुड्स की मैंने बात करी, जो चीज़ें हम लोगों ने रोज़ यूज़ करनी है, चाहे वो आपका टूथपेस्ट हो, चाहे आपका टूथब्रश हो, चाहे आपका सोप हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर 50 से ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, गोदरेज बनाते हैं और बहुत सारी और कंपनीज़ हैं जो इसमें आती है, हिमालय आती है। सो यू कैन सी कि ये चीज़ें तो मार्केट में हमेशा रहने ही वाली हैं। ये चीज़ें हर कोई रोज़, चाहे वो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, एवरीबडी, ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द कंट्री आर गोइंग टू यूज़ दोज प्रोडक्ट्स। तो उस हिसाब से आप अपने स्टॉक्स को चूज़ कर सकते हो। अगर हायर लेवल पे जाना है तो हम लोग कहते हैं कि वी आर गोइंग ऑन दी प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड बाय दी लग्जूरियस ग्रुप और विच आर यूज्ड बाय दी अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास, तो उनके हिसाब से आप देख सकते हो। तो इन सब चीज़ों को, इन सारी नॉलेज को कंपाइल करके अपनी स्टॉक्स की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन स्टॉक की जर्नी को अगर सिंपल स्टेप्स में बताया जाए बहुत ही ईजी है। आपको सबसे पहले ऑप्शन बॉक्स का ऐप डाउनलोड करना है सीखने के लिए, दूसरी चीज़ आपको डीमैट अकाउंट बनाना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको अपनी नॉलेज लगा के बहुत सारी की सारी स्टडी करने के बाद
कम पैसों से शुरुआत करके आगे बढ़ना है, सारा की सारी सेविंग्स को कैश में नहीं रखना है, उसका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाना है ताकि आपको रिटर्न्स भी आते रहें, और ये आप जितनी अर्ली एज में स्टार्ट कर देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताना एंड स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी विद द ऑप्शन बॉक्स नाउ। और हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।